11 साल के बाद बहाली लिया गया, उसमें भी हम लोग को सिलेक्ट नहीं किया गया, छांट दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो किसको देंगे? हम लोग युवा नहीं है उनके नज़र में। तेजस्वी करेंगे तब भरोसा होगा, नहीं करेंगे तब नहीं भरोसा होगा। जब हम लोग का काम होगा तभी हम लोग वोट देंगे। 11 की यदि वैकेंसी था, 11 में निकाले थे और 12 में भी ले लेते तो कोई बात नहीं था, 2022 में लिए, 12-11 वर्ष बाद जब लिए तो हम लोग को तो उम्र खत्म हो चुका है। आप न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमें राजद प्रदेश कार्यालय में हमारे साथ एक महिला है, क्या क्या आपकी समस्या है? हम लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं मैम। हम लोग होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग होमगार्ड में जितना भी सरकार का शर्त था वो अनुसार हम लोग सफल हुए हैं। अभ्यर्थी हम लोग तो 700 कुछ सिलेक्ट हुए थे जहानाबाद में, पूरा बिहार में होमगार्ड का बहाली लिया गया है, जहानाबाद से आए हैं और हम लोग सफल हुए हैं। 11 साल के बाद तो बहाली लिया गया है और उसमें भी हम लोग को 11 साल के बाद बहाली लिया गया, उसमें भी हम लोग को सिलेक्ट नहीं किया गया, छांट दिया गया है। छांट यहाँ तो हम लोग आए हैं तेजस्वी से मिलने के लिए, पर वो है नहीं, हम लोग को आने में क्योंकि लेट हो चुका है तो वो यहाँ पे नहीं मिले हैं। पर हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि आप ये जगदानंद जी हैं उनसे मिल सकते हैं, तो हम लोग आवेदन लेकर जगदानंद जी का वेट कर रहे हैं कि उनसे मिलेंगे। और नहीं अभी तक नहीं ये बताए हैं कि मिलेंगे, पर मिलेंगे कि नहीं वो गारंटी नहीं है, क्योंकि अगला बार भी बताया गया था कि मिलेंगे और फिर मिले नहीं थे, तो इसके लिए अभी है ना कि तेजस्वी यादव। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो किसको देंगे? हम लोग युवा नहीं है उनके नज़र में। हम लोग भी तो सफलता पाए हैं, हम लोग भी जितना भी फिजिकल था दौर, जितना भी सरकार की शर्त थी वो हम लोग सफलता हुए हैं उसमें, मेडिकल उडकल सब हो गया। अब नीतीश कुमार जी का कहना है कि महिलाओं का ऐसे आरक्षण दे रहे हैं, वैसे आरक्षण दे रहे हैं, मुखिया महिला, टीचर महिला, सब चीज़ महिला, तो फिर हम लोग सिपाही में सेलेक्ट हुए महिला को क्यों नहीं लिया जा रहा है? कारण बताया जा रहा है कि अब सीटें नहीं है, सीट कम है, तो सीट बढ़ा के लीजिए। 11 साल 12 साल के बाद अब बहाली ले रहे हैं तो कम सीट में क्यों लिए? उसमें डबल सीट करना चाहिए था आपको, ऑल सेलेक्ट करना चाहिए था, जितना भी सेलेक्ट हुआ सबको लीजिए। हम लोग का उम्र नहीं है कि किसी चीज़ में हम लोग फॉर्म डाल सकते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को किसी चीज़ का भी दबाव है? नहीं, पति का दबाव नहीं है, पति हम लोग के सपोर्ट में है, पति का कोई दबाव नहीं है, परिवार से किसी का दबाव? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं है, बस परिवार का ये कहना है कि तुम लोग जाओ, अगर नहीं वहाँ से काम होता है तो हम लोग एक परिवार में जो भी 10 गो 12 गो जो भी वोट होता है, जितना भी हम लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं सब वोट नहीं देंगे, वोट का आविष्कार कर देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। इतनी रोज नीतीश कुमार का समाधान यात्रा है? बिल्कुल नहीं, समाधान यात्रा नहीं है। नीतीश कुमार जी गए थे जहानाबाद में, हम मांदिल में, वहाँ हम लोग होमगार्ड के बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन लिए खड़ी थे, यहाँ से वहाँ भगा दिया गया हम लोग को कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आवेदन लिया जाएगा, फिर उधर से इधर मांदिल भगा दिया गया कि यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी में था, वहाँ पे हम लोग भटकते रह गए, इधर से उधर गए तो गाड़ी इधर आ गया, इधर गए तो गाड़ी उधर चला गया, पर हम लोग का आवेदन नहीं लिया गया। अब क्या लगता है आप लोगों का, आप लोगों का हो जाएगा? अगर सरकार करेगी तब तो होगा, सरकार चाहेगी तो हम लोग का कोई भारी मांग नहीं है, एकदम बहुत आसान मांग है, बस हो जाएगा। हम लोग प्रयास में तो लगे हैं कि सरकार हम लोग की बात सुने। तेजस्वी करेंगे तब भरोसा होगा, नहीं करेंगे तब नहीं भरोसा होगा। हम लोग को मेरिट में नाम आएगा तभी तेजस्वी पर भरोसा होगा और अगला बार हम लोग इलेक्शन में वोट देंगे, नहीं तो कोई तेजस्वी रहे, नीतीश रहे, कोई भी रहे, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। जब हम लोग का काम होगा तभी हम लोग वोट देंगे। सब चीज़ में महिला आरक्षण है, सब चीज़ में महिला आरक्षण, हम लोग महिला में सफल अभ्यर्थी महिला है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग महिला नहीं, महिला का नैहर होता है, नहीं ससुराल होता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? नैहर में रहते हैं तो बोला जाता है कि तुम्हारा घर ससुराल है, ससुराल जाओ, ससुराल में रहेंगे तो बोलेगा तुम्हारा बाप का घर है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन हमारा बाप का घर होगा? हम लोग को सरकार रोजगार दे, रोजगार लेकर के रहिएगा। हाँ कोशिश तो है कि हमको रोजगार दिया जाए, हम लोग रोजगार लेकर रहेंगे। 20 लाख देने का वादा किए हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि 10 लाख देंगे, उसी पर नीतीश जी बोलते हैं कि 12 लाख देंगे, तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, किस पे विश्वास करें? भाग भरोसे जी, भाग भरोसे हो गया तो बड़ी बड़का भाग मानेंगे, अब क्या करें? 11 साल के बाद 11 की यदि वैकेंसी था, 11 में निकाले थे और 12 में भी ले लेते तो कोई बात नहीं था, 2022 में लिए, 12-11 वर्ष बाद जब लिए तो हम लोग को तो उम्र खत्म हो चुका है, ये भी मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दिया कि उम्र खत्म हो। सर हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मखदुमपुर प्रखंड है, घर है सुगा अथी, हम ये फरियाद लेकर आए हैं कि हम लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, फिजिकल मेडिकल में सब चीज़ में पास कर गए हैं, लेकिन सरकार चुनाव के समय में वादे करते हैं कि 10 लाख के नौकरी देंगे, कोई सरकार कहते हैं 20 लाख के नौकरी देंगे, बीजेपी सरकार कहते हैं कि
हाँ आंसू दिख रहा है, बहुत मेहनत मजदूरी करके रोते भटकते रहते हैं, काम भी नहीं मिलता है, प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते तो रोजगार भी नहीं मिल पाता है, बच्चे बड़ा बड़ा है, जवान जवान सब है, वहाँ परिवार देखने पड़ता है, लेकिन हम लोग के नौकरी नहीं मिल रही सरकार से खेत जी। घर में हम लोग 6-7 परिवार हैं, घर हम ही सिर्फ है, ये मजदूरी करते हैं खेत में या राजमिस्त्री वाला खाते हैं, और क्या, हम लोग काम करते हैं तो खाते नहीं, तो नहीं खा पाते हैं, और फिर भी छोड़ कर काम धंधा हम लोग सब फाइनल किए, होम गार्ड का पूरा फाइनल किए, 9 नंबर भी लाए, और फिर भी हम लोगों का छांट दिया गया सरकार से। हम लोग खेत बाड़ी घर द्वार नहीं मांग रहे, सिर्फ कमाने खाने के लिए एक रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत करके सब चीज़ में क्वालिफाइड है। सरकार कहते हैं कि 10 लाख के नौकरी देंगे तो हम लोग के दें, पूरा होमगार्ड सफल अभ्यर्थी को दें, ऑल सिलेक्शन कर दे, तब न जाने कि हाँ रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो हम लोग तो भटकते रहें, दर दर भटकते रहें। अगर नहीं सरकार नौकरी देते हैं तो हम लोग फिर वोट नहीं करेंगे उनको, हमेशा चुनाव के समय में वादे करते हैं, इस समय हम लोग के अधिक कर देते हैं, हम लोग का वो ऑल सिलेक्ट कर देते हैं तो भारी बहुमत से भी जीत पाए जी। हम जितेंद्र दास मेरा नाम हुआ, मखदुमपुर प्रखंड जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। मैं दिनेश कुमार मेरा नाम है, मखदुमपुर प्रखंड में घर है, और रोजगार के लिए भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, सरकार खाली वादा करते हैं और पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह अनुरोध करने आए हैं कि हम लोग के पूरा होमगार्ड जितना भी सफल अभ्यर्थी उसको ऑल सिलेक्शन किया जाए, सभी को रोजगार दिया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के हर जिला को, बस यही हमारी सरकार से मांग है, हम घर द्वार और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए अभी आरजेडी दफ्तर में जो होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है अपने हक की मांग की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो रोजगार देने का वादा किया था इस पर कितना सफल उतरते हैं। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।